राइट नाउ इन दिस से हम लोग जो बात करने, वाले हैं, के बारे में बात करने वाले हैं और आज से ही ऑर्गेनिकली स्टार्ट हो गई है चलिए तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग जानने वाले हैं सबसे पहले जिस भी सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करते हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है ठीक है ये सब सारी चीज हम लोग एक एक करके जानेंगे तो मेरा एज ए मेंटर आपको यही सजेशन रहेगा कि जब भी हमें कोई चीज सीखनी होती है ना तो हमें हमेशा विनम्र होकर छोटा होकर सीखनी चाहिए यानी कि ग्राउंड लेवल से चीजें सीखनी चाहिए चाहे हम कितने बड़े बड़े केमिस्ट्री के ज्ञाता हो लेकिन हमें बहुत बेसिक से चीजें समझ होना चाहिए क्योंकि अगर आपका बेस अगर कमजोर है तो ऊपर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग आप खड़ी कर दीजिए ढह जाएगी गिर जाएगी ठीक है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ें बेसिक से पढ़िए और बेसिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम एनसीआर जो स्कूल की बुक्स होती हैं वहां से कोई शर्म नहीं है कि नहीं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बी फार्मा के लिए पढ़ रहे हैं या नीट के लिए पढ़ रहे हैं किसी के लिए पढ़ रहे हैं बट स्टार्ट तो आज का जो सेशन होने वाला है, ऑर्गेनिक तो केमिस्ट्री जो आज हमें दिख रहा है क्या वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू से ऐसा था ही कि वो टाइम के साथ साथ इवॉल्व हुआ है ठीक है सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ऑर्गेनिक और केमिस्ट्री आ गई

तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमस्ट्री ऑर्गेमिट्री मेडिसिन केमस्ट्री बायो केमस्ट्री दुनिया भर की केमिस्ट्री हम देख रहे हैं exactly तो बट व्हाट में हम लोग कार्बन कंपाउंड के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं दैट इज एसोसिएटेड विद दिस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब देखिए कि जो कार्बन के कंपाउंड है ना तो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि इसकी वैलेंसी क्या है कार्बन की क्योंकि कार्बन जैसे सब्जी में क्या है आलू तो आलू का नेचर होता है कि वो किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाता है सब्जी का राजा उसको बोल दिया गया तो कार्बन भी कुछ इसी तरीके से है कि हर कंपाउंड के साथ ये 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 हर एटम्स के के साथ साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा है तो ये कार्बन कार्बन के साथ ही नहीं कार्बन हाइड्रोजन के साथ बना रहा है और कार्बन अदर के साथ ऑक्सीजन के साथ भी हाइल्रोजन के साथ भी सबके साथ बना रहा है बॉन्डिंग तो इसकी सबसे खास विशेषता क्या होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी देखो यहां मैंने लिखा हुआ कैटिनेशन कैटिनेशन तो दो तीन बेसिक बातें कार्बन के बारे में जान लीजिए कार्बन की सबसे खास बात क्यों है क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है चेन बनाने की ठीक है आपने देखा होगा सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस टू ऐसे करके दुनिया भर की चेन बन गई दैट इज कॉल्ड एज कैटिनेशन सो कार्बन क्या करता है चेन वाले कंपाउंड्स बना देता है इसी वजह से इसका नेचर क्या है कैटिनेशन कंपाउंड तो कैटिनेशन कंपाउंड की वजह से ये चेन वाले कंपाउंड बना रहा है तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी मेनली इज एसोसिएटेड विद दिस कार्बन तो कार्बन की एक टेंडेंसी है

लेकिन कार्बन ये जो है ये कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है और अदर्स के साथ अदर्स में ऑक्सीजन भी हो सकता है अदर्स में सल्फर भी हो सकता है हाइलोजन भी हो सकता है ये किसी के साथ भी हो सकता है और सबसे खास बात इसकी क्या है दो चीजें हैं एक तो इसकी चेन बनाने की टेंडेंसी है उसको बोलते हैं कैटिनेशन एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज इट इज टेट्रावेलेंट ठीक है चलिए ये बात हमने बेसिक समझ ले जरा इसके बारे में अब जरा और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं धीरे 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 ठीक है तब तो मजा आएगा पढ़ने में अब देखिए कुछ एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है CH4 देखो कार्बन और किसकी वजह से हो रहा है नेचर की और मिथेन को बोला गया यह सी एच फोर क्या मिथेन और मिथेन क्या ये हाइड्रोकार्बन है हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन क्यों क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन हाँडरो कार हाइड्रोकार्बन तो मिथेन को बोला जाता है फर्स्ट हाइड्रोकार्बन इट मीन्स कि कार्बन केवल कार्बन के साथ ही बॉन्ड नहीं बनाता है कार्बन इज आल्सो मेकिंग बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन एंड अदर मॉलिक्यूल्स अब देखो जरा यहां पर देखो भाई साहब सी एस थ्री सी एस थ्री लेकिन हम लोग क्या करते हैं अब देखो यहां हमने कितना गलत लिखते हैं हम लोग वो थोड़ा सा समझने की जरूरत है हमने लिखा लेकिन बॉन्ड हमेशा तो कार्बन कार्बन के बीच है लेकिन यहां तो देखो कार्बन यहां हाइड्रोजन तो कायदे में देखा जाए तो सी एस थ्री से लिखा जाना चाहिए है कि नहीं लिखने को हम इस तरीके से लिख देते हैं लेकिन ये प्रॉपर वे दिस इज नॉट द प्रॉपर वे टू राइट डाउन दिस बिकॉज देर इज अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन बट यहां पर देखो कार्बन और उसके बाद हाइड्रोजन के साथ है तो यहां पर इस तरीके से कार्बन तो कायदे से इस तरीके से लिखा जाना चाहिए ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आदत पड़ गई हमारी इस तरीके से लिखने की तो इस तरीके से। आप देखो. <coughs> एक और समझो. संभव हो प्रॉपर्टी बिकॉज कार्बन हैज द प्रॉपर्टी टू मेक चेन कैटिनेशन प्रॉपर्टी तो देखो सी एस टू सी एस टू सी एस टू सी एस टू जोड़ते जाओ कोई ही नहीं है एन पॉलीथीन पॉलीथीन ये जो सड़ती नहीं है पॉलीमर्स के कंपाउंड ऐसे चेन बनाते CHU, 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 CHU बना के बहुत बड़े जाते हैं है? है, है. है किसकी वजह से पॉसिबल है पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी तो चाहे पॉलीथीन हो चाहे और भी जो एग्जांपल्स मैंने दिया आपको दैट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी तो ये बात याद रखना है कैटिनेशन का मतलब कार्बन की बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी को हम लोग और चीन कंपाउंड बनाने की जो एबिलिटी उसको कैटिनेशन हम बोल रहे हैं चलिए थोड़ा सा और समझते हैं अब ये भी फैक्ट समझ लेते हैं बिकॉज दिस वन इज गोइंग टू बी द बेसिक लेक्चर ये बेसिक लेक्चर है तो थोड़ा समझ लेते हैं कि कार्बन खाली कार्बन के साथ नहीं बनाता है कार्बन भाई सब इसके साथ भी मिंगल हो जा रहे हैं नाइट्रोजन के साथ भी भाई मिंगल हो रहा है सल्फर के साथ भी हो रहा है तो ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन बना रहा है ये सी एन बॉन्ड बना रहा है सी इस तरीके से इसके साथ एस के साथ बॉन्ड बना रहा है तो ये ऑक्सीजन के साथ भी बना रहा है फॉस्फोरस के साथ भी बना रहा है हाइलोजन के साथ भी बना रहा है इस तरीके से तो ये बात याद रखना है कि कार्बन केवल कार्बन के साथ ही नहीं बॉन्ड बनाता है कार्बन हाइड्रोजन और अन्य जितने भी एटम्स आपको दिख रहे हैं उन सब के साथ ही बनाता है समझ में आई बात चलो ठीक है ये बात समझ में आ गई अब ये कार्बन काम कहां करता है ये भी थोड़ा बेसिक जान लेते हैं अगर आप दिल से केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको एवरीवेयर यू कैन सी द केमिस्ट्री एवरीवेयर यू कैन फील द केमिस्ट्री एक्चुअली आप हर जगह केमिस्ट्री फील कर सकते हो खाना खाया अभी चावल एक कुकर चावल खा लिया वो चावल क्या था स्टार्च वो भी आपके अंदर जो डीएनए है वहां भी केमिस्ट्री घुसी हुई है केमिस्ट्री इज एवरीवेयर डीएनए और आप जितने भी आजकल हम लोग क्योंकि फार्मासिस्ट हैं तो वी आर सिंथेसाइजिंग द ड्रग इन लैब्स एस्पिरिन पैरासिटामोल ये सब लैब सिंथेसाइज है समझ सकते हो आप तो ये आप देख लो कि आपके डेली लाइफ में आपके सस्टेनेबिलिटी के लिए अगर डीएनए ना हो तो कैसे हम सस्टेन करेंगे अगर हमें कार्बोहाइड्रेट ना मिले तो ऊर्जा कैसे मिलेगी दीज ऑल एवरी थिंग इज कार्बन कंपाउंड तो हर जगह कार्बन घुसा हुआ है इट मीनस कि हर जगह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री घुसी हुई है चाहे आपका डीएनए बनाने से लेके चाहे आपके खाने पीने से लेके चाहे आपकी बेसिक जरूरतें वो सब एवरीवेयर केमिस्ट्री इज बस इतना जान लीजिए आप हर जगह केमिस्ट्री घुसा हुआ है कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे एनर्जी का सोर्स है नहीं खाए तो लुढ़क जाए अभी तो कार्बोहाइड्रेट लिपिड फैट प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक दैट इज प्रोटीन प्रोटीन ना रहे खत्म है मामला सो so, आपके लाइफ ये सब क्या है ऐसे मॉलिक्यूल इनको बोलते हैं बायो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जो लाइफ को सस्टेन करने के लिए जरूरी कंपाउंड इज इन्वॉल्व चलिए अब जरा देखते हैं अब ये केमिस्ट्री एक दिन में रातों रात तो ऐसा नहीं कि सपने आए और तुरंत केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो गई बेंजीन की तरह उस कॉन्सेप्ट देखो जब हम किसी चीज की खोज करने जा रहे हैं और कोई चीज और डिस्कवरी हो जा रही है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सरेंडिपिटी दो, सरेंडिपिटी ध्यान से देखो पता निकला गुरु घंटाल निकले तो कुछ कुछ और सर्च करने, कुछ और सर्च सर्च करने हो गया सरेंडिपिटी जब भी कोई मॉलिक्यूल की डिस्कवरी अचानक हो जाए सडन हो जाए इंटेंशनली हम नहीं चाह रहे थे अन इंटेंशनली उसकी डिस्कवरी हो जाए उसको बोलते हैं सरेंडिपिटी यानी कि वो मॉलिक्यूल सरेंडिपिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड हो गया जैसे बेजिन का हाल देख लो ठीक है और भी बहुत सारे केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स हैं तो केमिस्ट्री एक आपके ड्रग सोर्स की तरह भी काम करते हैं तो आज जो हम केमिस्ट्री एडवांस लेवल स्टोराइड इतनी खतरनाक खतरनाक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं बहुत हाई लेवल की कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं प्रोटीन का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो ये समय के साथ इवॉल्व हुआ है यानी कि हमारी समझ जैसे जैसे बढ़ती गई है वैसे वैसे केमिस्ट्री बढ़ती गई है चलिए तो ये शुरू कहां से हुआ जरा शुरू से जानते हैं आइए शुरू करते हैं तो शुरू से शुरू करते हैं केमिस्ट्री कर पढ़ोगे तो बड़ा मजा आता है पढ़ने में लेकिन अगर पढ़ाने वाला बढ़िया हो तो मजा आएगा अब देखो 1780s की बात है इट द पीरियड ऑफ सबसे पहले थियरी आई उसको बोला गया वाइटल फोर्स थियरी किसने दिया भाई साहब भाई साहब ने तो भाई साहब ने कंट्रीब्यूशन किया है तो इनको कुछ सम्मान भी देना पड़ेगा तो इनके लिए हमने क्या नाम इसका रखा वाइटल फोर्स थियरी

इन्होंने कहा कि अगर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ भी चीज सिंथेसाइज करना है तो उसके लिए लिविंग लिविंग सिस्टम सिस्टम चाहिए बोले तो क्या भाई साहब प्लांट चाहिए प्लांट लिविंग सिस्टम हमें एनिमल बॉडी चाहिए मुन्ना भाई बॉडी चाहिए तो इनको चाहिए था क्या बॉडी कि अपन को अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करना वी नीड अ बॉडी लेकिन ये भाई साहब कितना सही थे कितना सही था वो तो अगले जनरेशन बताएगी यानी इनसे भी बड़े वाले आए कौन आया है भाई साहब अब देखो ऐसा ये क्यों मानते थे कि हमेशा लिविंग सिस्टम ही चाहिए होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिंथेसाइज करने के लिए भाई देखो धारा कैसी बनेगी जो आप पे बीती होगी जो आपने फेस किया होगा वैसे तो आपकी प्रोसेस वैसे सोच बनेगी तो उस समय आप टाइम देखिए जब इंडिया में मुगल्स घोड़े दौड़ा रहे थे बड़ा अनस्टेबिलिटी का माहौल था एटीन सेंचुरी चल रही थी दुनिया में क्या चल रहा था रेनासे का टाइम पीरियड था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने वाला था दस्तक दे चुका था इंडस्ट्रियल इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति होने वाली थी धीरे धीरे वर्ल्ड इवॉल्व हो रहा था पुनर्जागरण हुआ था अभी लोगों ने चर्च से सवाल पूछना स्टार्ट किया था पहले चर्च बड़ा डोमिनेटिंग था यूरोपियन कंट्रीज में लेकिन लोगों ने सवाल पूछा कि पृथ्वी इधर ही क्यों घूम रही है किसने आपको अधिकार दे दिया है रेशनैलिटी आ गई पूछने लगे लोग सवाल पूछने लगे डेमोक्रेटिक राइट्स उसके बाद देखेंगे बहुत सारी क्रांतियां हुई लोग अपनी अपने फंडामेंटल राइट्स मांगने लगे अपने की बात करने लगे

बहुत सारी चीजें लोग ट्रेवल कर रहे थे उस समय इंडस्ट्रियल क्रांति जो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में चालू हो गई थी इंडिया में क्या मुगल घोड़े दौड़ा रहे थे उस समय की बात है ये उस समय का टाइम पीरियड है अब नेक्स्ट जरा देखते हैं अब भाई साहब एक और महान खिलाड़ी आए अठारह में अब देखो यानी नाइनटीन सेंचुरी में यू कैन से स्टार्टिंग ऑफ नाइनटीन सेंचुरी ये एडी इसको बोलते एनो डोमिनी और ये एडी और बीसी का कॉन्सेप्ट कहां से आया है जीसस साहब के बर्थ से ठीक है जीसस के बर्थ के बर्थ बाद का जो टाइम रहा है वो एडी में रहा है और कहीं पर फोर बीसी भी माना गया है वो फोर बीसी तो उसके आगे का समय एनोडोमिनी या इसी को सीई -E भी बोल देते हैं तो ये जो हम लोग टाइम पीरियड देख रहे हैं ये कौन सा टाइम पीरियड है एडी की बात कर रहे हैं एनोडोमिनी ठीक है एडी अभी हम लोग कौन से टाइम में जी रहे हैं एडी में जी रहे हैं ठीक है ये सारी चीजें फ्रेडरिक वोहलर साहब साहब आए भाई ये तो बहुत बड़े वाले थे इन्होंने क्या कहा कि भाई साहब आप गलत हैं ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिविंग सिस्टम से आते हैं दैट इज रॉन्ग मैं आपको गलत साबित कर सकता हूं तो इन्होंने डिसप्रूव कर दिया अब देखो एक ट चल रही है इन्होंने कुछ ज्ञान बांटा से मर मर के जो अपने समय को देखा हिम्मत जुटा इन्होंने वाइटल फोर्स रही थी। इन भाई ने आके बकैती कर दी क्या वैलिड नहीं है अब सोच के देखो सेवनटीन एटीज और कितना फासला होगा एटीन इसमें चालीस पचास साल का फासला आपको दिख रहा है इतने में भाई साहब आ गया फ्रेडरिकुलर क्या किया इन्होंने भाई साहब ने

ऑथेंटिक प्रूफ प्रूफ होना चाहिए आपके पास यस yes, अच्छा बिल्कुल सही आपने पकड़ा बिल्कुल सही यानी केमिस्ट्री हमारी बहुत पुरानी नहीं है दो ढाई सौ साल पुरानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दो ढाई सौ साल पुरानी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने सही तथ्य निकाला ये मैं फैक्ट लिखा हुआ हूं आगे दो ढाई सौ साल पुरानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखा जाए ट्रेस किया जाता तो है ठीक है चलिए बिल्कुल सही आपने कंक्लूजन ड्रा किया अब देखिए सब लोग तो चिल्ला रहे थे कि नहीं लिविंग सिस्टम चाहिए, चाहिए, चाहिए। है? है पोटेशियम साइनाइड लिया ये भी इनऑर्गेनिक था यानी कि ये जो प्रोडक्ट इन्होंने बनाया अमोनियम साइनाइड और साइनाइड आपको पता है कितना खतरनाक है लेकिन ये यही नहीं रुके भाई साहब ये इतने जज्बाती थे इसको उबाल डाला इन्होंने हीट दिया और जैसे हिट दिया और ये सारे स्ट्रक्चर रीअरेंज होके क्या बन गया यूरिया और पूछ लिया जाता आपसे सवाल कि पहला लैब में सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था यूरिया और मैंने यहां लिखा हुआ पाथ ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट अब सोचो ये धारणा बनी हुई है कि जितने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनेंगे सब लिविंग से बनेंगे और इन्होंने धो डाला बिल्कुल एकदम प्रूफ कर दिया भाई साहब लैब में

इसका मतलब जो लिविंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट था वाइटल फोर्स थी वो डिसूव तो हो गई और इन्होंने बना के, राका साहब ने दिखा भी दिया बना के। लो जी तुम बात कर रहे थे देखो अर्थ, जो अर्थ का ऊपरी हिस्सा उसमें इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलते हैं अब थोड़ा सा और ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखते हैं अब अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है अब देखो ये कितना बड़ा स्टेप था इनका वोलर साहब का इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि लिविंग सिस्टम की जरूरत नहीं है और इसी को आधार मान के आज जितने भी हम लोग लैब में दवाइयां सिंथेसाइज करती हैं इन्हीं दवाइया सिंथे भाई साहब की वरना हम भी करते रहते हम वही सोच के बैठे रहते कि लिविंग सिस्टम चाहिए चाहिए अपन को बॉडी सिंथेसाइज करने के लिए लेकिन उन्होंने प्रूफ कर दिया और आज इसका नतीजा क्या हुआ कि पैरासिटामोल एस्पिरिन आइबुप्रोफेन जितनी भी दवा आप मैक्सिमम देख रहे हो लैब में सिंथेसाइज हो रही है कॉलम यूज कर रहे हैं

ये सब ये सब कहा से आया फ्रॉम वेयर इट हैज केम इट हैज केम फ्रॉम द ऑर्गेनिक सिंथेसिस ये सब अब देखिए सोर्सेज ऑफ ड्रग अलग हो सकते हैं तो क्या निचोड़ निकल के आया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ ड्रग इसलिए यानी कि यही सब रीजन नहीं कि हम ऑर्गेनिक क्यों पढ़ रहे हैं दिस इज वन रीजन और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रीजन समझ गए

क्यों जो केमिस्ट्री एस्प्रिंस से देखो स्टार्ट है और आप देखो आज हम स्टोरॉइड की बात कर रहे हैं वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर फ्रेंथ्रीन रिंग सिस्टम स्टोरॉयड कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको दिखेगा खूब गोल गोल रिंग घुमाई गई है इस तरीके से सेटोरायड इस तरीके से तीन तीन चार चार रिंग है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है एसिटाइल सेल्सिली एसिड

तो इन्होंने एक बेस दिया और उसी बेस पे ये लोगों ने कोलवे भाई साहब ने एस्टिक एसिड बना डाला बर्थेलॉट भाई साहब ने मिथिन बना डाला और आजकल मिथेन का यूज आपको पता ही है हाउस होल्ड सिस्टम में हम लोग यूज कर रहे हैं बहुत जगह यूज कर रहे हैं मिथेन बहुत सारे धान की खेती आप खा आप खेती किसानी से होंगे तो जो धान की सड़न होती है जड़ वहां से भी मिथेन गैस निकल रही है गोबर वगैरह जो गाँव में है वहां से भी ये सब तो सी तो इन्होंने क्या किया एल फोर सी थ्री जिसको कि एल्यूमिनियम कार्बाइड बोला गया उसकी हाइड्रोलिसिस करके मीथेन बना 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 डाला सोचो ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक इन्होंने केमिस्ट्री कंपाउंड दिया यानी कि एक ने बेस तैयार किया और सब उस पर बैटिंग कर रहे हैं इसका मतलब कि ओपनिंग तगड़ी होनी जरूरी है अगर ओपनिंग तगड़ी हो गई इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छे से इतमेन से पढ़ा रहा हूं एक बार ओपनिंग आपकी हो गई ऊपर बिल्डिंग ऐसे लगाते लगाते चले जाओ तो इन्होंने भाई साहब ने एक बार नीव रख दी कि नहीं भाई साहब लिविंग सिस्टम नहीं चाहिए अब इन भाई साहब ने सब एक देखो बिल्डिंग बनाते चले जा रहे हैं और आज हमारी जितने भी हम सिंथेसिस करते हैं हैं सब सब उसी सब है, उसी बेस पे पे है चलो अब जरा समझते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा यूज करते हैं हम लोग ये जरा जान लेते हैं इंपॉर्टेंस तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस आपको नजर आता है मेडिसिन में कौन सा भाई साहब देखो एस्प्रिन जो हम स्प्रेन खा लेते हैं उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ इस तरीके से है क्या नाम है इसका एसिटाइल सेल्सिलिक एसिड सेलिकसिल सिलिक एसिड हो गया और ये एसिटाइल ग्रुप एसिटाइल सेल्सिल एसिड सही है कि कुछ गड़बड़ बता रहा हूं कुछ गड़बड़ तो टोक देना ठीक है नो बडी कैन बी द परफेक्ट ठीक है आई बी प्रूफन देखो इस तरीके के स्ट्रक्चर पैरासिटामोल जो हम लोग खाते रहते हैं देखो ये सब लैब में सिंथेसाइज़ हुए और क्यों सिंथेसाइज हुए क्योंकि उन भाई साहब ने प्रूफ किया आजुनिक की बदौलत ये पूरी चीज पूरी इंडस्ट्री खड़ी है चलो भाई साहब अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यही नहीं स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का एक फॉर्म है वो भी उसमें भी सोर्स का एनर्जी एनर्जी का सोर्स है क्लॉथिंग जो कपड़ा पहने हो भाई साहब ये नायलॉन पॉलिस्टर कॉटन जो नेताजी पहन के घूमते रहते हैं कॉटन फ्यूल्स जो हमारी इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है सोचो अभी एक दिन पेट्रोल बंद हो जाए पूरे देश में क्या हालत होगी एक दिन सोच के देखो फ्यूल हाइड्रोकार्बन जितने भी चाहे वो गैसोलीन हो चाहे वो पेट्रोल हो चाहे डीजल हो अब यहां पर एक वैल्यू अब मुझे बताइए एक वैल्यू होती है ऑक्टेन वैल्यू और एक होती है सीटेन वैल्यू और एक होता है एंटी नॉकिंग एजेंट यह हाइड्रोकार्बन में पढ़ाया जाता है ऑक्टेन वैल्यू सीटेन वैल्यू किसके लिए होता है कौन डीजल के लिए कौन पेट्रोल के लिए होता है और एंटी नॉकिंग एजेंट का कुछ एग्जाम्पल याद रखिए ये नीट रूट में बड़ा पूछा जाता था लेकिन अभी अभी भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है ये सीटेन वैल्यू ठीक है एंटी नॉकिंग एजेंट चलिए फ्यूल में यूज करें देखो केमिस्ट्री कहां कहां घुसी हुई आपके खाने में केमिस्ट्री घुसी हुई है आपके पहनावे में केमिस्ट्री घुसी हुई है आपके फ्यूल में केमिस्ट्री घुसी हुई है आपके मेडिसिन में केमिस्ट्री घुसी हुई है आपके लाइफ सस्टेनेबिलिटी में अगर केमिस्ट्री ना हो आपका डीएनए ना हो तो क्या होगा कार्बोहाइड्रेट ना हो लिपिड ना हो फैट ना हो प्रोटीन ना हो कहां जाएंगे भाई साहब बच के एवरी केमिस्ट्री इज इन्वॉल्व इस तरीके से केमिस्ट्री हमारी जिंदगी में घुस गई है कि हर जगह घुस गई है केमिस्ट्री चलिए अब समझ में आ रहा होगा केमिस्ट्री की अहमियत क्या है तो इसलिए केमिस्ट्री भाई साहब ढंग से पढ़ लीजिए और दिस वन इज गोइंग टू बी द बेसिक लेक्चर तो इसी तरीके से मैं बेसिक बेसिक चीजें जो है ले जाता रहूंगा आपको टेंशन मत लीजिए ठीक है चलिए अब देखिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं थोड़ा इनका क्लासिफिकेशन जान लेते हैं इसके बाद जो सेशन आएगा दैट विल बी टोटली ऑन नॉमन तो नॉमन में जो हो गए साइक्लिक पहले उसका पढ़ेंगे फिर ऑटोमेटिक साइक्लिक का पढ़ लेंगे इस तरीके से पढ़ लेंगे बहुत बेसिक बेसिक पढ़ेंगे बहुत हाई अभी नहीं पढ़ेंगे अभी हाई पढ़ेंगे तो चक्कर खा के गिर जाएंगे वी नीड टू प्रिपेयर द बेस बेस एक बार जब बेस आपका बन जाएगा फिर दौड़ना स्टार्ट करेंगे <coughs> चलिए अच्छा पक्का ऑक्टेन फॉर पेट्रोल कंफर्म करिए एक बार अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको दो देखेंगे एक तो ओपन चेन दिखेंगे ओपन चेन कुछ इस तरीके से खुले घूम रहे हैं इस तरीके से ओपन चेन चेन में है ये समझ गए ओपन चेन और कोई साइकिल नहीं है ये इनकी कोई साइकिल ऐसे घूमी घूमी नहीं कर रहे हैं ये इनका कोई घूमी घूमी नहीं है तो इसीलिए इनको ओपन चेन और ए साइकिल बोला गया तो, तो को गया ये साइक्लिक वगैरह हमें कौन आ गए ये लोग मिथिन वगैरह ब्यूटेन प्रोपेन ओपन ओपन चेन में आ गए। <coughs> दूसरे कौन से आते हैं साइक्लिक ऑर्गेनिक, जो घूमी घूमी वाले होते हैं देखो ये घूमी घूमी वाला ये, जो घूम रहा है साइक्लिक जो कनेक्टेड है जिसका ओर छोर कनेक्टेड है फ्रॉम स्टार्टिंग एंड लास्ट वन इज कनेक्टेड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट साइक्लिक अब देखिए थोड़ा सा इसमें और ऐसे देख के बहुत खास पास लग रहा होगा इसलिए किया क्योंकि ज्यादा लिखना पड़ेगा ना तो फिर समय कम वो हो जाएगा पढ़ा नहीं पाएंगे और कुछ कुछ चीजें छूटे ना इंपॉर्टेंट चीज आप तक पहुंच जाए वो भी आइडिया लग जाता है चलिए तो साइक्लिक कंपाउंड्स में दो होते हैं होमोसाइक्लिक होमो मतलब सेम और यहां पर क्या हेट्रो हेट्रो का मतलब डिफरेंट वाले तो भाई साहब जो हेट्रो वाले हैं उसमें एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक और आपको बता दूं कि हकल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिए बहुत जरूरी है है उसको भी पढ़ाऊंगा मैं हकल रूल ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट ठीक चलिए तो जो साइक्लिक होते हैं दो तरीके के होते हैं होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक होमो का मतलब सेम हेट्रो का मतलब डिफरेंट होमोसाइक्लिक को ही कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं तो भाई साहब कभी कार्बोसाइक्लिक आ जाए तो चक्कर खा के नहीं गिरना है ठीक है चलिए हेट्रोसाइक्लिक में एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक तो कुछ इस तरीके से पाइरिडीन अगर एक एन स्ट्रक्चर है तो पाइरिडीन अगर डबल होगा तो पाइरिमिडीन इस तरीके से पाइरिडीन तो एरोमेटिक में पाइरिडीन आपने लिख लिया अब देखो ये होमोसाइक्लिक में होमोसाइक्लिक में दो कैटेगरी है ध्यान से थोड़ा खास पास हो गया लेकिन समझिए होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक की बात वहीं खत्म हो गई होमोसाइक्लिक में दो है एक बेंजोइड एरोमेटिक है एक नॉन बेंजोइड एरोमेटिक है ठीक है समझ गए ध्यान से सुनो होमोसाइक्लिक में एक नॉन एरोमेटिक हो गया एक एरोमेटिक हो गया अब देखो अब इस एरोमेटिक में दो हैं बेंजोइड और नॉन बेंजोइड ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना है साइक्लिक में दो होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक के सारे बच्चे अच्छे बच्चे सब इधर ही है होमोसाइक्लिक में नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक बेंजीन का है एरोमेटिक है क्यों हकल रूल को फॉलो कर रहा है एरोमेटिक ये

घूमते तो रहते घूमी घूमी करते रहते इसको बोलते हैं रिजोन क्यों जरूरी है स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए तो कभी बेंजीन इस तरीके से लिखा जाए इस तरीके से बात एक ही है तो एरोमेटिक में दो हैं एक बेंजॉइड स्ट्रक्चर है एक नॉन बेंज बेंड का मतलब बेंजीन रिंग वाले देखो एक बेंजीन रिंग वाले दो वाले तीन वाले तो यह हमने देखो एक लाइन ड्रॉ कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो तो ये ऊपर ऊपर वाला मैदान किसका है बेंजॉइड का है ठीक है अब देखो क्या लिखो नॉन एरोमेटिक एरोजिन रिंग नहीं उनमें देखो इनमें देखो कहा साइक्लिक रिंग है और पे इन है डबल बॉन्ड है तो तो वन इन -e लिखो या साथ लिख दो तो कोई फर्क थोड़ी नहीं पड़ता है साइक्लोहेक्जिन क्योंकि सिक्स रिंग स्ट्रक्चर और साइक्लिक है साइक्लोहेक्न ठीक है फिर यहां देखो सल्फर यहां देखो ऑक्सीजन समझ में आई बात ये सारी चीजें तो यहां हमने देख लिया एक ओपन चेन हो गया फिर उसके बाद ये साइक्लिक वाले साइक्लिक में दो हमने देखा होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक हेट्रोमेरोमैटिक नॉन एरोमैटिक होमोसाइक्लिक में एक नॉन एरोमैटिक एक एरोमेटिक इस एरोमेटिक में दो चीजें हमने देखी एक बेन्जॉयड रिंग स्ट्रक्चर वाले और नॉन बेन्जॉयड वाले तो बेंजॉइड में सारे में बेन्जिन रिंग स्ट्रक्चर है और

ये यह यहां गया घूमी घूमी करके ये यह यहां घूमी घूमी करके गया ये यह यहां घूमी घूमी कर गया जब पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है तो वो घूम रहे हैं क्यों घूम रहे हैं रिजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्यों ताकि स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज हर आदमी अपनी जिंदगी में सेटल होना चाहता है तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेंगे तो रिजोनेंस इफेक्ट कहां से उसमें होगा यस yes. रिजोनेंस स्ट्रक्चर तो तभी होगा ना जब पाई इलेक्ट्रॉन होगी पाई बॉन्ड होगा जब बॉन्ड ही नहीं होगा तो कहां से डिलोक्लाइज होगा ठीक है रिजोनेंस इफेक्ट चलिए अब देखिए जब मैं नॉमन क्लेचर आपको पढ़ाऊंगा तो पहले पढ़ाऊंगा एलिफेटिक ए साइक्लिक और दूसरा एरोमेटिक साइक्लिक का पढ़ाऊंगा साइक्लोजे साइक्लोपेंटेन इस तरीके से एलिफेटिक में हाइड्रोकार्बन का नॉमन क्लेचर बहुत बेसिक से पढ़ेंगे ठीक है एलिफेटिक साइकिल ए साइक्लिक और बारे में पढ़ेंगे तो आज का इतना ही रहने देते हैं है? तो कम कम तो है यहां तक तो पूछ लीजिए और कभी थोड़ी बहुत क्लास अगर लेट हो जाए तो आप समझ जाइए कि कुछ डिस्टरबेंस है और मेरा मैसेज भी नहीं जा रहा है इट मीन कि कुछ अभी माइक लगा रहा था मैं नहीं रिजॉल्व हो रहा था फिर मैंने कहा एक बार माइक लगा के बच्चों को बोल देता हूँ कि कुछ माइक का इशू आ रहा है शायद आप मेरी बात समझ में आ जाए फिर पता लगा कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है और ऐसे चेक करने वाला एक सिस्टम होता है कि माइक से आवाज आ रही नहीं आ रही है तो चेक कर रहा था तो उसमें बता ही नहीं रहा कि नहीं आवाज़ आ रही नहीं आ रही है मैंने बैटरी भी बदल डाला ठीक है चलिए सो देर इज एनी क्वेरी प्लीज आस्क पूछ लीजिए अक्षय इसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं है मैंने बता दिया देखो इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाता है वो बता दिया मैंने क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं कि कार्बन की टेंडेंसी खाली कार्बन कार्बन के बीच में नहीं होती है ये इस तरीके का स्टेटमेंट जीपेड में पूछा जा सकता है आपसे कैटिनेशन प्रॉपर्टी पूरे दुनिया को पता है कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी टेंडेंसी होती है इसके अंदर नहीं होती थी पॉलीथैलीन जैसी चीजें नहीं मिलती पेप्टाइड जैसा स्ट्रक्चर पॉलीमर जैसी चीजें नहीं होती अगर कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं होती तो टेट्रावेलेंट है आप सभी को पता है वर्टल फोर्स थियरी के बारे में पता कर लिया क्या होता है वोलेर का, का क्या कंट्रीब्यूशन था और इनके कंट्रीब्यूशन से भाई साहब के बाद उसके बाद देखो धड़ल्ले से सब लोग कोई एस्टिक एसिड रिसर्च कर रहा है तो कोई मिथेन निकाल रहा है कोई क्या निकाल रहा है एक बार केवल और उसका नतीजा क्या हुआ देखो तो मेडिसिन आज पूरी इंडस्ट्री जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कड़ी है जो सिंथेसिस के बेस पर है देख लो अगर ये भाई साहब नहीं बताते दुनिया को तो क्या हम कर पाते ये आज यूरिया का यूज कितना हो रहा है धड़ल्ले से किसान यूज कर रहे हैं और आजकल तो नैनो बेस्ड यूरिया आने लगी है इफको ने जो है लॉन्च कर दिया उसको अब आपको एक बोरी डीएपी डालने की जरूरत नहीं है ढाई पांच सौ एम का जो है आपको डाल दीजिए नैनो यूरिया या फिर और भी जो है वो हो जाएगा मैनेज इस तरीके से ये क्वेश्चन बस ये फैक्ट है कि लिख लीजिए इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं ये वाली बात आप लिख लीजिए ये इंपॉर्टेंट है यहां से सवाल थोड़ा बहुत आपके आ जाते हैं मेन यहां से क्वेश्चन बनेगा नॉर्मन से ये सीखना है कि कैसे नाम हम लिखते हैं चलिए ठीक है <coughs> ठीक है तो आई थिंक देर इज नो मोर क्वेश्चन अक्षय जहां पर पॉसिबल होगा क्वेश्चंस का डेफिनेटली आई एम गोइंग टू एट दैट क्वेश्चन जहां पर नहीं होगा क्यों करना क्यों परेशान होना कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ठीक है सो आई थिंक आई हैव क्लैरिफाइड ईच एंड एवरी डाउट फिर भी कुछ पी है आप चैट बॉक्स में आराम से चैट कर दीजिए आप कमेंट कर दीजिए पूछ लीजिए एवरी डाउट्स योर योर एवरी डाउट्स वुड बी क्लियर ठीक है चलिए तो अपना ध्यान रखिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार